Subscribe to Shemaroo and click the bell icon to never miss an update. हेलो एंड वेलकम टू द शो फिल्मी फ्लैशबैक। मेरे यानी रुचि की तरफ से आप सभी को वार्म हेलो, हाय, नमस्ते। पिछली बार जब मैंने स्क्रीन लवर्स के सीन्स दिखाने शुरू किए तो मुझे ये जरा भी अंदाजा नहीं रहा कि कितनी सारी प्यारी फिल्मी जोड़ियां बच जाएंगी, लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको मायूस नहीं करूंगी। लिहाजा बाकी जोड़ियों के सीन्स और उनके साथ जुड़ी ढेर सारी चटपटी गॉसिप अपने साथ लोड करके ले आई हूं। तो आइए आगे बढ़ते हैं हिंदी फिल्म्स के पॉपुलर स्क्रीन लवर्स के खूबसूरत सफर में और देखते हैं इन सुपर्ब जोड़ियों के मेमोरेबल सीन्स इन योर फेवरेट शो फिल्मी फ्लैशबैक। आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड में हमने सबसे पहले शुरुआत की थी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की आइकॉनिक जोड़ी राज कपूर नरगिस से, और यहाँ संयोग देखिए कि फिल्मी जोड़ियों की शुरुआत हो रही है राज कपूर साहब के ही बेटों से। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट हिज सन्स रणधीर कपूर एंड ऋषि कपूर। फिल्मों में अपना डेब्यू करने से पहले ही हमारे डब्बू साहब यानी रणधीर कपूर को एक्ट्रेस बबीता से प्यार हो चुका था। जब उन्होंने एज एन एक्टर डायरेक्टर डेब्यू किया आरके बैनर की फिल्म कल आज और कल में, तो ये जाहिर सी बात थी कि ही वुड प्रेफर बबीता एज हिज हीरोइन। ऑन द अदर हैंड ऋषि कपूर और नीतू सिंह को एक दूसरे से प्यार तभी हुआ जब इन्होंने साथ काम करना शुरू किया। कहते हैं प्यार का रिश्ता अल्टीमेटली शादी पे जाकर ही मुकम्मल होता है। अब साथ में काम करते करते आम जिंदगी में जब ऑफिस के कलीग्स की लव मैरिज हो सकती है तो फिल्म में एक साथ काम करते हुए हीरो हीरोइन की क्यों नहीं। वैसे ही कुछ हुआ ऋषि कपूर और नीतू सिंह के बीच। क्या शाम को, समझे? अल्लाह रहम। ये झूठ मूठ का आई मत करो, अब जाओ यहाँ से, तुम बिल्कुल ठीक हो। अजी आपका ये आला बिगड़ा हुआ है। मेरा सीने पर सर रखकर कान लगाकर सुनो, अंदर से यही आवाज आएगी, दर्द दिल, दर्द कमर, दर्द जिगर, दिल मेरा दर्द का गोदाम बनकर रह गया। लगता है आजकल तुम्हारी कवाली के शो कम हो गए हैं, इसलिए रोज मरीज बनकर हॉस्पिटल चले आते हो। माफ कीजिएगा हुजूर, आज आपका ये मरीज दर्द दिल का इलाज कराने ही नहीं, आपको अपनी कवाली के लिए खास दावत देने के लिए भी आया है। ये अच्छा तरीका दावत देने का। तो फिर और क्या करें, तुम डॉक्टर हो, बीमारी का बहाना बनाए बगैर यहाँ आ नहीं सकते। बाहर मिलो तो तुम्हारे अब्बा हुजूर डंडा लेकर मारने को दौड़ते हैं। आज शाम को भी यही होगा। पहले तो अब्बा जान तुम्हारी कवाली के लिए राजी नहीं होंगे, और अगर हो भी गए तो खुद तो आएंगे ही, और साथ में पूरी पलटा। डॉक्टर, उन दो आदमियों का खून भी उस औरत को कम पड़ रहा है, और भी खून की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इस वक्त आरज का खून कहाँ से मिलेगा। अच्छा हम चलते हैं, ये रहा तुम्हारा कार्ड, शाम को मुलाकात होती है क्या? खुदा। हाँ सुनो अकबर, हाँ सुनो सुनो, नहीं जाओ क्या? तुम्हारा खून में तो आरएच का है ना? अजी हमारा तो कोई ग्रुप ही नहीं है, अगर आपके अब्बा मेहरबान हो तो बहुत जल्दी ग्रुप बन जाएगा क्या? अच्छा सुनो, तुम मेरी खातिर उस औरत को अपना थोड़ा सा खून दे सकते हो? आपकी खातिर? अजी आपकी खातिर खून तो क्या, ये बंदा आपके लिए जान भी दे सकता है, आप हुक्म तो कीजिए। नर्स तुम इन्हें ले चलो और खून देने की तैयारी करो। ओके आइए, चलिए चलिए। अब मैं एक ऐसे लकी हीरो का जिक्र करना चाहूंगी जिसने किसी एक नहीं कई हीरोइंस के साथ सुपर हिट जोड़ियां बनाई। वी शांताराम की बेटी राजश्री के ऑपोजिट डेब्यू करने के बाद इन्होंने अपने लंबे करियर में बबीता, मुमताज, हेमा मालिनी, रेखा, रीना रॉय, मौसमी चैटर्जी, श्रीदेवी और जया प्रदा के साथ ऐसा जबरदस्त काम किया कि इन सभी के साथ इनकी जोड़ी सुपर हिट रही। ही ऑलमोस्ट जम्प्ड फ्रॉम वन हीरोइन टू अनदर, दैट टू विद अ सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड। Yes, I am talking about the jumping jack जितेंद्र। तारीफ करनी होगी जीतू जी की, जो अपनी पर्सनल लाइफ में काफी सॉर्टेड थे। शादी इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड शोभा सिप्पी से की, जो बाद में मिसेज शोभा कपूर हो गई। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। अभी देखते हैं कि शोभा जी के यही पतिदेव जितेंद्र स्क्रीन पे कैसे रोमांस किया करते थे। वो अपने को क्या समझती है? क्या मैं उसके बिना जी नहीं सकता? अलमारी में कपड़े रखना तो हाथों नहीं, अब पता नहीं टाई का रखी है। टाई चाहिए? हटो। अरे हटो, मैं देती हूँ। ये लो। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। और हर चीज अपनी जगह पर हो तो मैं भी ढूंढ सकता हूँ। सारे कमरे में ये कपड़े मैंने तो फैलाए नहीं, पर लोगों को पता हो किस चीज की क्या जगह है तब ना। मुझे ये सब नहीं आता। नहीं आता तो सीखो। क्यों सीखूं? अरे तो मत सीखो, ढूंढते रहो। फ्रिज में टाई और वार्डरोब में ठंडा पानी। टाई बांधो ना। ओहो, इतने बड़े हो गए, अभी तक टाई बांधना भी नहीं आया। देख लिया घर चला के? हाँ, घर तो ठीक चला, सिर्फ वक्त पे चाय नहीं मिली और टाई नहीं मिली, और उसके बाद वो अरे चलता। अरे इतना परेशान क्यों हो भाई? मैं सदा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, 2 ही हफ्ते की तो बात है, और फिर तुम्हारी जबान को भी आराम मिल जाएगा। डैडी से मेरी शिकायतें करते करते थक गई होगी बेचारी। इट नीड्स रेस्ट। अरे हाँ, तुम्हारी नाक को मिस करो। इतना मत। मैं तो ये सोच के परेशान हो रही हूँ कि वहाँ जाने तुम किस शर्ट के साथ कौन सी टाई लगा लोगे और लोग हंसेंगे। और वापस लौटते वक्त तुम कोई दुम छेली भी साथ लगा ला सकते हो। कृष्णा, राधा, कमला के बजाय अंग्रेजी नाम चलेंगे। कैथरीन, ऑड्री, जीना, है ना? हाँ, वो तो है। क्या? डैडी को क्यों बुलाती हूँ? अच्छा बाबा, मैं तुमसे वादा करता हूँ वहाँ किसी से दोस्ती नहीं करूँगा। और अगर की? यूर इम्पॉसिबल। मेरे हाथ में 5 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपए के कई सिक्के हैं, लेकिन 50 पैसे का एक ही सिक्का है। तुम्हें हाथ बंद करके एक सिक्का निकालना होगा। अगर 50 पैसे के अलावा कोई और सिक्का निकला तो जीत तुम्हारी, और अगर 50 पैसे का सिक्का निकला तो जीत मेरी, और जो जीतेगा उसकी मुराद पूरी करनी होगी। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। चलो आग बंद करो और एक सिक्का निकालो। चलो। अरे वाह, 50 पैसे का सिक्का निकला। इसका मतलब जीत मेरी हुई। अब मैं जो चाहूंगा तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। मुझे 50 पप्पी चाहिए। पप्पी? हाँ। कुछ नहीं, जरूर इसमें गड़बड़ है। जरा हाथ दिखाओ। देखो, ये नहीं वो हाथ। अरे जब मैं जीत गया तो हाथ दिखाने से मतलब? दिखाओ ना। अरे पप्पी के बाद पहले हाथ दिखाओ। ये सब 50 पैसे के सिक्के हैं। ये धोखा है, चीटिंग है। अरे बाबा, प्यार और लड़ाई में सब जायज होता है। अब दे दो ना पप्पी। नहीं नहीं नहीं। वैसे जंपिंग जैक से मुझे याद आ गए हमारे डिस्को किंग मिथुन चक्रवर्ती। इनके ऑफ स्क्रीन प्यार के चर्चे कई हीरोइंस के साथ हुए। सारिका से ब्रेकअप के बाद इन्होंने आनन फानन में मॉडल एक्ट्रेस हेलेना लूक से शादी कर ली। मिथुन और हेलेना लूक की ये शादी ज्यादा टिक नहीं पाई, क्योंकि मिथुन की लाइफ में आ गई योगिता बाली, जो खुद पहले किशोर कुमार से मैरिड थी। एक तरफ मिथुन ने योगिता बाली से शादी कर ली, तो दूसरी ओर उनकी फिल्म सुरक्षा विद हीरोइन रंजीता हिट हो गई। रंजीता और मिथुन कई सुपरहिट फिल्म्स के को-स्टार्स बन गए, बट देयर ऑफ स्क्रीन रिलेशनशिप रिमेन्ड वेरी प्रोफेशनल। मिथुन योगिता की शादी में हल्का सा तूफान तब उठा जब मिथुन और श्रीदेवी के रोमांस की हवा चली फिल्म जाग उठा इंसान की शूटिंग के दौरान। अब कितना सच था इन सब अफवाहों में, ये तो उस दौर के मीडिया वाले ही बता पाएंगे, और मैं भी क्यों पढ़ूं इन सब बातों में, और आपको भी क्या मतलब है जी। तो चलिए हम देखते हैं मिथुन दा के ये सीन्स विद रंजीता, योगिता एंड श्रीदेवी। कहाँ जाना है मैम साहब? तुम रवि बीए बूट पॉलिश वाला टैक्सी ड्राइवर? अरे नहीं नहीं मैम साहब, हमारा नाम तो रामदीन है। रवि हमारा जुड़वा भाई है। हमारी शक्लें इतनी मिलती है कि घर वाले भी धोखा खा जाते हैं। अब देखिए ना, ड्राइवरी का परीक्षा हमने दिया और लाइसेंस उन्हें मिल गया। बीए का इम्तहान उसने दिया और डिग्री हमका मिल गई। कोई अच्छा काम मैं करता हूँ तो शाबाशी उन्हें मिलती है, बुरा काम वो करता है और सजा हमको मिलती है। अरे एक बार तो ऐसा हुआ कि खून उसने किया और फांसी हमका लग गई। हाँ, बस बस यही रोक दो। ये लो। अरे मैम साहब, अब ये 5 रुपया ज्यादा छोड़ जा रही है। तुम रख लो। टिप। अरे नहीं नहीं मेम साहब, हम कम मेहनत का कमाई चाहिए, हराम का नहीं। मैं खुशी से दे रही हूँ, रख लो ना। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो अपने उस जुड़वा भाई को, उस हमशक्ल भाई को, उस बूट पॉलिश वाले भाई रवि को दे देना। काहे? रवि पर इतनी मेहरबानी काहे? Because a very special occasion is going to come. एक बड़ा खास दिन आने वाला है इसी शहर में। हम समझा नहीं। बड़े हाई लेवल की बात है, तुम समझोगे भी नहीं। तुम आम? आम नहीं जी, वो दूसरा आम, तीसरा आम, चार बहन सुनीता, पुनीता, कविता, सरिता। आम जिधर जाता दुनिया को चक्कर आता। हाँ, हम लोग का सबसे बड़ा प्रमादम तुमको मालूम? मंदिर एक जाता, प्रसाद दूसरे को मिलता, प्रार्थना भगवान तीसरे का सुनता और काम चौथे का पूरा होता। बड़ा कम। माफ कीजिएगा, बहुत देर हो गई, आपको बहुत इंतजार करना पड़ा। आपका कौन इंतजार कर रहा है? हम तो मछली पकड़ने आए हैं। इतनी बड़ी मछली काफी नहीं थी क्या? कौन सी? हम मछली पकड़ने आए हैं, मगरमच्छ नहीं। बैठ सकता हूँ? मना किसने किया है? जितनी ढेर सी गालियां देनी है दे दीजिए, बांध कर ले जाऊंगा। रुमाल काफी नहीं? अरे पहले मालूम होता तो बोरी ले आता। कल मुझ पर बहुत गुस्सा आता ना? ऐसी शरारत पे गुस्सा किसे नहीं आएगा। वो तो एक बहाना था रूपा। मेरा नाम कैसे पता चला? जादू से। अच्छा, जादूगर का नाम? प्रकाश। काम, बिजनेस, शौक, कहानियां लिखना। अन्नपूर्णा एस्टेट, शाम का गहरा दोस्त हूँ। यहाँ आने का मतलब? आपसे मिलना। मुझे बहुत देर हो गई है, मैं चलती हूँ। अरे अभी तो आई हो। मुझे कुछ काम याद आ गया है। चले कोको। कल मछली पकड़ना होगी ना? हो सकता है। सुबह घूमने आ जाऊं? गुरु, सोएंगे कहाँ हम लोग? हम लोग? अब मेरा मतलब है कहाँ सोएंगे? तुम केबिन में सोगी और मैं उधर। चलो चलो चलो। बाप रे, खाती पीती है। तुम ये जंगल में बंद हो और हाथी आ जाए। अरे बाप रे, नाम लेते ही आ गया। गुरु, क्या है? हाथी चिंगाड़ रहा है। तो चिंगाड़ने देना, तेरे गले में क्यों तकलीफ हो रही है? सूंड में उठाकर कहीं पटक दिया तो गुरु। अरे हाथी सियाना जानवर है, कोई फालतू चीजें नहीं उठाता। चल सो जा। गुरु गुरु, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं तुम्हारे पास आकर सो जाऊं? ओहो, क्या मुसीबत है। जा जाकर ऊपर करिश्मे में सो जा। क्या गुरु, लंबाई मुझे पूरी पड़ जाएगी? ओह, अगर पूरी नहीं पड़ेगी तो सुकड़ कर सो जा। अरे जा। जाते हैं बाबा, इतना भड़कते क्यों हो? गुड नाइट गुरु। ला, ला, ला। ओहो, क्या मुसीबत है? आप क्या हुआ? शेर धाड़े मार रहा है गुरु। तो धाड़े मारने देना, तेरे पेट में क्यों तकलीफ हो रही है? गुरु छलांग मारकर ऊपर आ गया और मुझे पंजे मार मार के शेर फट के मुंह खा गया तो। नहीं नहीं नहीं। अरे शेर को मालूम है कौन सा जानवर खाना चाहिए और कौन सा नहीं। तुझे खाकर शेर को अपना पेट खराब करना है क्या? चल जा सो जा। फिर भी रिस्क क्यों लेने का गुरु? नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। ओ तौबा, कहाँ फंस गया? ठीक है, चल नीचे आकर सो जा। कहाँ सो गुरु? तुम्हारे बगल में? बगल में? मेरा मतलब है कौन सी जगह? ए, ज्यादा बकवास मत कर, इधर सो जा। तुम कितने अच्छे हो ना गुरु, बहुत ठंड लग रही है, जरा अपनी चादर में आने दो ना। ए, लगता है थोड़ी देर के बाद कहेगी कि मैं कुछ चिपक कर सो जाऊं। आपको कैसे मालूम हुआ? अबे जब मैं आदमी, कोई होटल का कमरा नहीं। देखने नहीं कि डू नॉट डिस्टर्ब लगा हुआ है, फिर भी घुसी जा रही है। आंखें मुंह बंद करके सो जा। अरे माँ, ये भगवान, बहुत भूख लग रही है। ओहो, ये ले चादर आके लिए उड़ते सो जा। जा। थैंक यू गुरु, इसकी क्या जरूरत थी, खामों का तकलीफ उठाने की। कमर्शियल फिल्मों के अलावा 70s और 80s में ऑफ बीट सिनेमा का भी काफी प्रोमिनेंट एग्जिस्टेंस था। वहां भी कुछ खास जोड़ियों ने लोगों को अपनी रियलिस्टिक एक्टिंग से इम्प्रेस किया और यही नहीं, ढेर सारे अवार्ड्स भी जीते। यहाँ मेरा इशारा है दो ऐसी गिफ्टेड जोड़ियों की तरफ जिनके बगैर पैरेलल सिनेमा शायद अधूरा रहता। ये जोड़ियां हैं नसीरुद्दीन शाह शबाना आजमी और नसीरुद्दीन शाह स्मिता पाटिल की। इन जोड़ियों के आपसी रिश्ते हाईली प्रोफेशनल थे, पर हाँ, इंडिविजुअली सबकी अपनी अपनी लव स्टोरीज थी। जैसे शबाना जी के बॉयफ्रेंड फिल्म मासूम के डायरेक्टर शेखर कपूर थे, मगर बाद में शबाना आजमी ने शादी की राइटर जावेद अख्तर साहब से, जो पहले से ही शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता थे। वहीं स्मिता पाटिल को भी प्यार हुआ मच मैरिड एक्टर राज बब्बर से, और जिनसे उन्होंने शादी भी की। नसीर साहब को अपनी पहली वाइफ से एक बेटी थी, जिनसे उनका डिवोर्स हो चुका था। वो उनके शुरुआती दौर की लव मैरिज थी, जिसके बाद उनकी दूसरी लव मैरिज हुई एक्ट्रेस रत्ना पाठक से। फिलहाल हिस्ट्री बताने के चक्कर में, इससे पहले कि मैं और कहीं भटक जाऊं, लेट्स वॉच सम वंडरफुल सीन्स ऑफ दीज एक्टर्स। हिंदू कहाँ जा रही हो तुम? कहीं भी, मालूम नहीं। ये क्या कह रही हो हिंदू? एक मिनट मेरी बात सुनोगी तुम? मुझे कुछ नहीं सुनना है। एक मिनट मेरी बात तो सुनो तुम। एक मिनट नीचे आ जाओ प्लीज हिंदू, प्लीज। हिंदू, मुझे नहीं मालूम था वो बच्चा यहाँ आने वाला है। झूठ मत बोलो। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम था। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो लड़का यहाँ नहीं आएगा, इस घर में नहीं आएगा। मैम साहब, टैक्सी चाहिए क्या? नहीं नहीं चाहिए। चलो जाओ। हिंदू, सुनो, कुछ दिनों के लिए सिर्फ, प्लीज इंदु। अब वो यहाँ आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? जो चाहे मर्जी कर, वो यहाँ नहीं आएगा। इंदु सिर्फ कुछ दिनों के लिए आएगा, मैं वादा करता हूँ। वो 2-3 दिन से ज्यादा नहीं रहेगा, मैं वादा करता हूँ। मुझे तुम पे एतबार नहीं रहा। तुम्ही ने तो कहा था कि मेरी हर प्रॉब्लम तुम्हारी है। इस बार साथ नहीं दोगी? तुम चाहते क्या? तुम कुछ भी करते रहो, मैं सहती रहूं। मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी कोई फीलिंग्स हैं। मुझ पे क्या गुजरे कभी सोचा तुमने? और ये बच्चे, इन्हें क्या समझाओ, क्या कहोगे इनसे? मम्मी देखो लो मम्मी, मेरे दोनों सब गलत निकले हैं मम्मी, और वो सारा पेपर गलत निकला मम्मी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए ना मम्मी, चलिए ना मम्मी। पापा मुझे गोदी ले लो। मैंने विंकी, जरा सुनो। क्या मम्मी? हमारे यहाँ एक लड़का रहने के लिए आ रहा है। कौन है वो? उसका नाम, उसकी मम्मी मर गई है, इसलिए हमारे पास आ रहा है। लेकिन उसकी मम्मी कौन थी? हमारे दूर की रिश्तेदार थी बेटे। मम्मी वो कितना बड़ा है? वो नौ साल का है बेटे। जल्दी चलना इंदु, तो बहुत मजा आएगा। कुछ मजा बचाइएगा। थैंक यू इंदु, तुमने संभाल लिया। मैं अपने बच्चों को संभाल रही थी। किस्मत फोड़ने के वास्ते यही घर मिला था अब्बा को। कसाई सबके सब, भलमन से छू तक नहीं गई। मेरे को थोड़े दिनों के वास्ते आमा के पास छोड़ा। मेरे से नहीं देखा जाता ये। हाँ, देखेंगे। दिखा लिए मर्दानगी? भर गया दिल। मत जाना उसके पास, एक बच्चे की अम्मा है। उन्हें तुम्हारे भाइयों का बस चले तो कोठे पे बिठवा देंगे उसको। उनको माया ममता थोड़ी है, कमीने। निर्दयी कहेंगे। और तुम्हारे को कौन सी जरूरत पड़ी थी उनके जैसे बनने की? मैं नहीं हूं क्या? भगवान माफ नहीं करेंगे ये। क्या नहीं दिया उसको? बीवी का हक तक तो दे दिया, अब उसको घर की मालकिन भी बना देंगे। मेरी क्या हैसियत बचेंगी? उन्हें अलग रसोई दे देने से उन्हें घर की मालकिन बन जाएंगी क्या? तो अब अपनी अपनी सोचते, उसका दिल नहीं दुखता क्या? उन्हें भी तो इंसान है, उसकी कोई हैसियत नहीं। उस पर क्या गुजर रही है वो कोई नहीं सोचता। बड़ी आई हैसियत वाली, आग लगे ये हैसियत के बखेड़े को। कमिटेड प्रोफेशनल एक्टर्स की बात ही कुछ और है। अब ऐसी ही कुछ और जोड़ियों के नाम मेरे पास हैं, जिन्होंने अपने करियर में बिना एक दूसरे से रोमांटिकली इन्वॉल्व हुए लोगों के दिलों में कमाल की जगह बनाई। इनमें कुछ नाम मैंने लास्ट एपिसोड में बताए थे और उनके सीन्स भी दिखाए थे। बाकी थरो प्रोफेशनल जोड़ियां रही हैं दीप्ति नवल फारूक शेख, अनिल कपूर माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर श्रीदेवी, जैकी श्रॉफ मीनाक्षी शेषाद्री। इन सभी जोड़ियों की अपनी फैन फॉलोइंग रही है। आइए देखते हैं इन्हीं में से कुछ जोड़ियों के सीन्स और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जोड़ियां ऐसा क्या कर जाती थीं कि वो ऑडियंस के साथ इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाते थे। कैसा था? अच्छा था। गीता, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, ये नीली साड़ी के साथ पीला ब्लाउज, वाकई। उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो फिर ये तुम्हारा नौकरी करना और मेरा घर बैठ के खाना। चने खाओगे? बात समझ रही हो तुम? अब बात तुम्हारी हो तो समझू। 4 किताबें क्या पढ़ के आ गए कि मर्द को कमाना चाहिए, बस अभी को आड़े आ रही है। नहीं, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई भी छूट रही है ना। ये किसने कहा तुमसे? 6 महीने की तो बात है खाली। तुम्हारी एमए हो जाए, फिर पीएचडी की स्कॉलरशिप मिलती है, मेरी पढ़ाई शुरू। मैं बाद में नौकरी थोड़ी करने वाली हूँ। एक बार तुम कमाना तो शुरू करो, फिर देखो मैं घर बैठ के कैसे गुलछर्रे उड़ाती हूँ। बस आ गई। अब ये छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना भी कोई पढ़ाना है? चुटकी बजाने का काम है। कमाल है, सुबह सुबह चुटकी भी नहीं बजती है। तुम्हें कुछ नहीं कहना? नहीं तो भाई, पहला दिन है नौकरी का। विश मी गुड लक ना। हाँ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तुम्हें डर नहीं लग रहा? क्यों? नहीं, मुझे तो लग रहा है। किसने कहा है नौकरी करने को? नहीं, कहा तो किसी ने नहीं। और फिर डरने की क्या बात है? नहीं, मैंने कुछ कहा नहीं। नहीं नहीं, गुड लक। तुरिया, देखो मैं तुम्हारे लिए। अरे क्या ठोका पीटी कर रही हो, और वो भी इस हालत में? चलो नीचे उतरो। ये मेरी इतनी बड़ी तस्वीर क्यों लगा रखी है? राज की बात है, पहले मुझे अपनी बाहों में उठाओ, फिर बताऊंगी। ये लो। कहते हैं गर्भवती औरत की आंखों के सामने जिसका चेहरा हमेशा रहता है, उसके होने वाले बच्चे का चेहरा भी वैसा ही हो जाता है। सच? और इसीलिए मैंने तुम्हारी तस्वीर लगाई है, ताकि तुम्हारा चेहरा हमेशा मेरी नजरों के सामने रहे, और फिर थोड़े दिनों में बिल्कुल तुम्हारे जैसा एक नन्हा मुन्ना राजू पैदा हो। फिर तो तुम ये तस्वीर हटा ही दो और अपनी तस्वीर लगा लो। क्यों? क्योंकि पहले लड़की होगी। चाऊ जी, पहले लड़का होगा। मैं कह रहा हूँ ना, पहले लड़की होगी। लड़का होगा, लड़की होगी। ये क्या है? केसर। अरे वो दूध, दूध कहाँ गया? अरे पर जा कहाँ रहे हो? ये केसर तुम्हारे पिताजी दे गए थे। वो कह रहे थे कि इसे दूध में मिलाकर पीने से होने वाला बच्चा गोरा चिट्टा और खूबसूरत पैदा होता है। ये लो। क्या बात है सुरु? ये किस लिए? मैं किसी और का दिया हुआ जहर खाकर मरने की बजाय अपने पति के हाथों मरना पसंद करूंगी। ये लो और काट डालो मुझे। ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? तुमने दूध में केसर मिलाया था ना, उस केसर में जहर मिला हुआ है। जहर? क्या बकती हो, केसर में जहर मिला हुआ? अरे ये केसर तो खुद तेरे पिताजी दे गए थे, वो अपनी बेटी को जहर देंगे? मेरे पिताजी तो सिर्फ केसर दे गए थे, लेकिन तुम्हारी माँ ने उसमें जहर मिला दिया। मेरी माँ ने दूध में जहर मिलाया? तू होश में तो है सुरु? ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल, तेरी जुबान कटकर गिर जाएगी। जुबान क्या, मैं तो पूरी कटकर गिरने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे मालूम था तुम मेरा विश्वास कभी नहीं करोगे। उठाओ ये कुल्हाड़ी और टुकड़े टुकड़े कर दो मेरे। सुरु! मेरी माँ पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगा सुरु, इतना बड़ा इल्जाम मत लगा। तुम झूठ बोल रही हो सुरु, झूठ बोल रही हो। मैं झूठ बोल रही हूँ? अगर मैं झूठ बोल रही हूँ राजू, तो मेरा होने वाला बच्चा मेरे कोख में ही मर जाए। तेरा विश्वास पक्का है तो मेरा विश्वास भी अटूट है। अब हम दोनों के बीच में यही साबित होना है ना कि इस दूध में जहर है या नहीं। तो इसमें माँ को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, मैं ये खुद ही पीकर साबित कर देता हूँ। नहीं! 1980s में जब स्टार सन्स की बारी आई तो सबसे हैपनिंग जोड़ी रही सनी देओल और अमृता सिंह की। अपनी डेब्यू फिल्म बेताब की शूटिंग के दौरान दोनों की नजदीकियों की काफी हवा थी, जो शायद फिल्म को प्रमोट करने के लिए भी हो सकती थी। एनीवे, जो भी हो, पर बेताब फिल्म से दोनों के फिल्मी करियर का जबरदस्त टेक ऑफ हुआ। दोनों ने अलग अलग हीरो हीरोइंस के साथ काम किया, जिसमें अमृता और अनिल कपूर को फिल्म चमेली की शादी और साहिब में लोगों ने बहुत पसंद किया। तो वहीं सनी पाजी की जोड़ी मीनाक्षी शिशाद्री और डिम्पल के साथ काफी अच्छी रही। सनी की हीरोइन मीनाक्षी शिशाद्री के लिए डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर था और खुद सनी का डिम्पल कपाड़िया के लिए। ये तब की बात है जब वो अपने पति राजेश खन्ना से अलग रह रही थी। बट व्हाट्स द पॉइंट डिगिंग द पास्ट हियर? किसका किससे कुछ था नहीं था। सानू तो मतलब है सन्नी पाजी के ऑन स्क्रीन अपनी हीरोइंस के साथ इक्वेशन देखने से। मैं कोई झूठ बोलिया? हेलो जी। एटीज में एक और स्वीट सी जोड़ी ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा था। ये जोड़ी थी गोविंदा और नीलम की। दोनों ने ऑन स्क्रीन ऐसी धूम मचाई कि लोगों ने तो इनके ऑफ स्क्रीन लव अफेयर के भी चर्चे करने शुरू कर दिए। लेकिन गोविंदा की सुनीता के साथ अरेंज मैरिज ने इन सारी रूमर्स को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आगे चल के 90s में गोविंदा की हिट पेयर बनी एक नहीं दो हीरोइंस के साथ। याद आया? करिश्मा कपूर और रवीना टंडन। उसके बाद ईयर 2000 में फिल्म हद कर दी आपने से गोविंदा ने हद ही कर दी, बिकॉज उनके रोमांस के चर्चे उड़े उस फिल्म की हीरोइन रानी मुखर्जी से। पर एनीवे, इनके रोमांस के चर्चे भी बाद में गोविंदा के करियर की तरह फिजल आउट हो गए। खैर ये सब छोड़िए एंड लेट्स वॉच दीज सीन्स। ये नहीं, कुछ और दिखाइए ना। किरण, हम ऊपर 7th फ्लोर पर जा रहे हैं, तू वहीं आ जाना। अच्छा ठीक है। ये भी नहीं, ये वाली। हाय हाय हाय, ऐसा लगता है जैसे बादलों में चांद निकल आया हूँ। आपके हस्बैंड के टेस्ट को मान गया मैं सब। ये मेरे हस्बैंड नहीं है, बॉयफ्रेंड है। जस्ट शट अप। अरे अभी भी शुरू हुआ यार, मतलब होने वाला है। कोई बात नहीं, एक दिन इससे शादी करके तेरी दुकान पे जरूर लेकर आऊंगा। जरूर लाना साहब। हाँ। है कि आज तक मुझे तुम जैसी कोई लड़की दिखी नहीं तो मिली नहीं, मिली नहीं तो बात बनी नहीं, बात बनी नहीं तो बात आगे बढ़ी नहीं, इसलिए मैं जिंदगी में पीछे रह गया। लेकिन अब तुम मिल गई हो तो ऐसा लगता है कि जिंदगी में कुछ आगे बढ़ने का चांस। शट अप, चिल्लाओ मत वरना लिफ्ट रुक जाएगी। शट अप, शट अप, शट अप। देखा, रुक गए ना लिफ्ट। मुझे डर वर नहीं लगता, समझे फूल। क्या हो गया बेबी? ये अंधेरे में 1000 वोल्ट के झटके क्यों दे रही हो? हाय, मेरे दिल में न जाने कैसे कैसे बल्ब जल उठे। ये सब हुआ कैसे बेबी? हाय, कॉकरोच। कॉकरोच यानी कि छपड़ा कॉकरोच। भैया क्या टाइम पे एंट्री मारी है यार। जब तक जिंदा रहूंगा तुझे सलाम करता रहूंगा, तुझे अगरबत्ती दिखाऊंगा, तेरा स्टैचू बनाकर उस पर हार चढ़ाऊंगा, तुझे मोतीचूर के लड्डू खिलाऊंगा साले। ये क्या बदतमीजी है? माफ कीजिएगा मैम साहब, मैं कॉकरोच की तारीफ कर रहा था। मेरा तो दम घुट रहा है। कोई है? मैं हूँ ना। शट अप। कोई है? मैम साहब आप यहाँ से ऊपर आ जाओ। वहां से? अच्छा। मेरे हाथों पे अपने पाँव रख दो बेबी और चढ़ जाओ। हाँ चढ़ तो रख दो। हाय हाय हाय। हाँ। देख क्या रहे हो? तुम्हें देख रहा हूँ बेबी। आंखें बंद करो। आ क्या? मेरी तो सांस ही बंद हो चली है। जल्दी चढ़ो, काफी भारी भरकम हो यार। अरे एक बार हमको थैंक यू तो बोलो यार। हाँ? ए, क्या कर रही हो? मेरी जूती से। क्या कर रही हो? मिल गया प्यार करने वालों का नजराना मिल गया। मेरी सांस दो। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। मेरी अच्छा, सांस दो। देता हूँ 1 मिनट। हाँ, तुम्हें अपना बनाने की कसम। अभी बताते। सुनो, अगर थूकना है तो इस पे थूक दो। इडियट। अबे मुझको भी तो बाहर निकाल। अबे तुझको क्या सिर्फ लड़कियों को बाहर निकालने के लिए रखा है क्या बे? ये क्या आइटम है? ये तो सस्ता से भी चीज है। इडियट। ओह एक्सक्यूज मी, ओह आई एम सॉरी। आपने यू आर वेलकम नहीं कहा। कोई बात नहीं, कभी कभी होठों का काम आंखें कर देती है। आंखों ने कर दिया काम तमाम। क्या है आपका शुभ नाम? शट अप। नाम अच्छा नहीं है, चेंज करो ना। लगता है मेरी आपकी बहुत जमने वाली है। मैं बैठ जाऊँ? मैं बैठ ही जाता हूँ, इससे पहले दूसरा कोई एक्सक्यूज मी बोल के बैठ जाए। I don't want to miss the train. All passengers are requested to fasten their. कोई जरूरत नहीं बेबी, कोई जरूरत नहीं है। अगर ये प्लेन हिलेगा ना तो तुम मुझे पकड़ लेना। I don't mind. Will you please keep quiet? That's all right. Ding 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 ding. You missed the shot. Ding 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 ding. Again you missed the shot. आहिस्ते मारो ना, लगता होगा यार। Excuse me, is anyone here? This passenger is irritating me. ओए, और तुसी फिक्र ना करो भैन जी, मैं हूँ ना। आप इधर आके मेरी सीट पे बैठो, मैं वहाँ आ जाता हूँ। ओए पापा जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप चलिए, आपकी सीट पे मैं आ जाता हूँ। आपको इतनी मस्ती है तो आप इधर आके बैठ जाइए इनके बगल में। बाय स्वीटहार्ट। ओए 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 ओए। हाँ जी हूँ मैं देखना है तो अनु कौन टच कर रहा है। गल कर दी है, बैंड बजा जागा होती। गल कर दी है हुण ना। तुसीं कित्थे दे हो? दिल्ली दे हो, जलंधर दे हो, लुधियाने दे हो? अब तुसीं लुधियाने दे हो और हुण ना तुहानूं कोई ऐसे भी टच नहीं कर सकता, कोई ऐसे भी टच नहीं कर सकता, कोई ऐसे भी टच नहीं कर सकता। मैं देखता हूँ कौन टच करता है। हुण ना तेरे गाल को ना कोई ऐसे टच नहीं कर सकता। हाँ, कोई तेरी पट पे ऐसे हाथ नहीं लगा सकता। और ऐसे ना ऐसे तुम्हें किसी को करने नहीं दूंगा। मैं किसी को कुछ नहीं करने दूंगा, देख लेना। थैंक यू सरदार जी, थैंक यू। मैं सोचती हूँ अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता। और यार सोच के मेरे रहते हुए तेरे साथ क्या क्या हो सकता है। मतलब ये है कि हम लोग पंजाब के लोग हैं ना, हम लोग जब सी ऑफ करते हैं ना तो हमारी एक स्टाइल होती है, हमें ना बड़ी वार्म फीलिंग होती है। हम लोग है ना बाय बाय बादशाह बोल के ऐसे गले लग जाते हैं। अब बाय बाय बादशाह, अब बाय। सरदार जी हाँ, ज्यादा स्मार्ट हो रहे हैं। अब पूरा पंजाब स्मार्ट है, इसमें क्या है। और मैं आगे आवा के तू आगे आनी है और ठंडक पाले थोड़ी। हाय बादशाह, एक्सक्यूज मी सरदार जी। अरे थोड़ी और ठंडक पाले आधे विच की है यार। एरोसिस हां जी, ये आदमी तो पहले वाले आदमी से भी चालू निकला। प्लीज चेंज माय सीट, प्लीज कम विद मी। ऑल मेन आर लाइक दैट। हाउ डू यू नो? शट अप। और तुझको बुला रही है इडियट। कोई गल नहीं, ऑल मेन आर लाइक दैट। मैम आप यहां बैठिए। थैंक यू। थैंक गॉड कोई बाजू में नहीं है। Hi. Oh wow, you are so beautiful. You are so charming. तुम्हारा काल एकदम कश्मीर के सेब की तरह है, तुम्हारे होंठ एकदम अनार के दाने की तरह है, और तुम्हारी गर्दन oh wow, एकदम इंडिया का वाटरफॉल लगता है। Can I touch you like this? Can I touch you like this? Can I touch you like this? Excuse me, what are you doing? Don't worry, हम भी फीमेल, तुम भी फीमेल, हम किधर भी जाएगा। Don't stop, okay? Ding 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 ding. Ding, 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 ding. You! Oh no! लेट 80s में फिल्म कयामत से कयामत तक से आमिर खान और जूही चावला ने अपनी फ्रेश और स्वीट परफॉर्मेंसेस के जरिए सबका दिल जीत लिया। वो कई हिट फिल्मों में एक साथ नजर आए। बिदनानी साहब, ये लड़की इस घर में नौकरानी नहीं है, ये इन बच्चों की माँ है, बड़ी बहन है, दोस्त है। ये इन बच्चों के लिए क्या है शायद आप कभी समझ भी नहीं पाएंगे। और जहां तक वैजयंती के घर छोड़कर जाने का सवाल है तो सुन लीजिए, ये यही रहेगी, इसी घर में रहेगी। घर छोड़कर जाएंगे आप अपनी बेटी के साथ। क्या? जी हां, क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूं और इससे शादी करने वाला हूं। Knock it out. अरे तू तो चढ़िया हो गया है रे। तू तो चढ़िया हो गया है। जो हो सके वो कर लेना। Knock it out. तेरे को मालूम नहीं तू क्या बोला? तेरे को मालूम नहीं? तूने मेरे माया का दिल दुखाया, तूने मेरी माया को रुलाया। अरे तू मेरे को जानता नहीं है राहुल, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। अरे मुआ, मैं तेरे को कभी नहीं छोड़ूंगा। तू बिदनानी का गुस्सा नहीं जानता है। मैं तेरे को सड़क पे ले आऊंगा, तेरे को खत्म कर दूंगा, नंगा कर दूंगा तुझे। राहुल, तूने मेरी माया को रुलाया, अरे मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तू हंसता है, तू हंसता है। अरे तू चढ़िया हो गया है क्या? और तू नौकरानी, तू क्या हंस रही है? तू इसके साथ भीख मांगेगी ना सड़क पे तो हम हंसेंगे, हम हंसेंगे। मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा राहुल, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। நீ அவங்களை வெளியிலே அனுப்பின விதம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அவங்க போய்ட்டாங்க. நீ ரொம்ப நல்லவன். நீ ரொம்ப தைரியமான ஆளு. நீ ரொம்ப அழகா இருக்க. ஐயோ, நான் உன்னை காதலிக்கிறேன். ये क्या कह रही है ये? அப்பா, मैं कह रही हूं कि मैं अब बात करते हैं हमारे सल्लू मियां यानी सलमान खान की। सलमान एक ऐसे हीरो रहे हैं जिनकी जोड़ियों की हिस्ट्री ऋषि कपूर से काफी मिलती है। डिफरेंट हीरोइंस के साथ उन्होंने हिट फिल्म्स दी और आगे बढ़ गए। डेब्यू फिल्म मैंने प्यार किया में भाग्यश्री का साथ रहा, तो अगली फिल्म में रवीना टंडन, नगमा, ऐश्वर्या राय, करिश्मा कपूर और कटरीना कैफ का। संगीता बिजलानी और सोमी अली के साथ उनका नाम ऑफ स्क्रीन जोड़ा गया, तो कुछ उनकी ऑन स्क्रीन हीरोइंस के साथ भी। मगर हमारे सल्लू साहब को कहीं कोई डोर नहीं बांध पाई। एक एक करके उनकी सारी गर्लफ्रेंड्स ने अपनी अपनी दुनिया बसा ली। फिलहाल मैं आपको दिखाती हूँ द मोस्ट एलिजिबल बैचलर सलमान खान के ये सीन्स। तुम मेरी बात सुनो राजू, तुम प्लीज मेरी बात, जस्ट लेट मी टॉक। नो यू लिसन टू मी। नो यू शट अप, लिसन टू मी। बोलो, अरे बोलो ना। पूजा मेरे लिए एक सखी बहन से भी ज्यादा प्यारी है। और डैड तो बाबा से भी बढ़कर है। यू नो, उन्होंने मुझे एक बार भी एहसास नहीं होने दिया कि मैं एक अकाउंटेंट की लड़की हूँ। उनके बहुत एहसान है मुझ पर। राज, आई वांट पूजा टू बी हैप्पी। मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ, लेकिन उसे हमारे बारे में पता चल गया तो वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए प्लीज तुम पूजा से शादी कर लो। क्या? बोलिए। हाँ, अब मैं बोलूं? मैं बोलूं? इधर आ। 19 साल की हो गई है तुम। मैं चाहता हूं कि तुम 100 साल जियो, और लेकिन अपने गुजरे 19 साल के लिए तुम अपने आने वाले 81 ईयर्स कुर्बान कर दोगी। 81 का मतलब जानती हो क्या है? शादी, हस्बैंड, बच्चे, बहू, दामाद, उनके बच्चे, ये सब कुर्बान कर दोगी तुम? अगर उन्होंने तुम पर एहसान किया है, 19 साल अपने घर पे रखा है, तो उन सबको यहाँ पे बुला लो। मैं उनको 19 साल एक दिन और रखूंगा। लॉजिक ही नहीं समझे। तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो फिर तुम प्लीज पूजा से शादी करो। अरे सुनो, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम आबा से शादी कर लो, क्योंकि आबा के मेरे पे बहुत एहसान है। उसने मुझे 19 दिन अपने घर में रखा है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। करोगी तुम मुझसे शादी? करोगी तुम मुझसे शादी? करोगी तुम मुझसे शादी? बोलो। राज, तुम प्लीज पूजा से शादी कर लो। तुम मुझसे शादी करना चाहती कि नहीं, तो फिर मैं भी तुमसे शादी नहीं करना चाहता। अरे प्रॉब्लम ही शादी की वजह से होती है ना। मैं तुमसे शादी करूंगा ना, मैं उससे शादी करूंगा। अब खुश? अरे रो क्यों रही हो? खुश रहो, जाओ, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। हाँ, बाबा, डैडी, पूजा, ओके, बाय बाय। हाँ, गोवा, मुंबई, मुंबई, गोवा। तू सिर्फ नाम का हीरो है, असल में तो बिल्कुल जीरो है। किसने कहा था उतना ऊपर चढ़ के मटकी फोड़ने के लिए? 6 फुट की हाइट पे मटकी मैंने रखवाई। 60 फुट की हाइट पे मटकी तूने क्यों रखवाई? दे दे दे, चल। झूठ मत बोल, ये लाल देवा इतनी। अच्छा हीरो सुन, तुझे याद है ना कल मेरा इंटरव्यू है? मुझे याद है, लेकिन मुझे एक बात बता, तू तेरी माँ तुझसे इंटरव्यू और काम वाम करवाती रहेगी या कोई अच्छा लड़का देके तेरी शादी वादी भी करवाएगी? शादी तो मैं करूंगी, लेकिन अपनी पसंद के लड़के के साथ। लेकिन तेरी पसंद का लड़का है कैसा? मेरी पसंद का लड़का शहजादा होगा। वो लंबा होगा, उसका सीना चौड़ा होगा, और उसके पास एक शानदार गाड़ी होगी। बस, अगर मुझे ऐसा लड़का मिल गया तो मैं उससे फौरन शादी कर लूंगी। रानी? Yes? Tension not. रानी, बहुत देर हो गई बेटी। आई माँ। हीरो, अब तू जाके सो जा, और कल सुबह मिलेंगे जल्दी इंटरव्यू। बाय। सोऊंगा नहीं तो तेरे बारे में सपने कैसे देखूंगा? मेरे सपनों का विलन किधर है? समीर, कल मैंने एक बहुत अच्छी सहेली बनाई। बहुत प्यारी लड़की है। अरे कभी हमें भी तो मिला। हमेशा इस प्यारे से मिलाती हो, किसी प्यारी से भी तो मिलाओ। तुम मिल चुके हो। मैं मिल चुका हूं। नैना। नैना? हाँ, नाम सुना है। इडियट, नैना तुम्हारी वाइफ है। नैना आई थी, नैना आई थी, नैना आई थी। वेरी गुड। और उसे मिलके पता चला लाइफ में गलती कैसे हो जाती है। तुम्हें भी लगा ना, तुम्हें भी लगा ना, देखा कि मैंने नैना से शादी करके कितनी बड़ी गलती की है। नहीं, गलती मेरी है। मैं तुम्हारा घर तोड़ रही हूँ। मैं बहुत बुरी हूँ, है ना? सोनिया, मेरी शादी तुम्हारे आने से पहले ही ऑन द रॉक्स थी। तुम आ गई तो मेरी जान बच गई, नहीं तो मैं तुम्हारी तरह सुसाइड ट्राई करते करते एक आध बार तो मर ही गया होता। और बच्चे समीर, जब इस तरह शादियाँ टूटती हैं, डिवोर्स होते हैं, तो बच्चों के मन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। नो, यू राइट, यू आर राइट। बच्चों का मानसिक संतुलन बिल्कुल नहीं हिलाना चाहिए। तो हम दोनों हमारे बच्चों को कभी नहीं बोलेंगे मेरे पिछली शादी के बारे में। समीर, मैं आने वाले बच्चों की बात नहीं कर रही, उन बच्चों का क्या जो ऑलरेडी है। क्या तुम्हारे बच्चे हैं? इसके तो बच्चे। अरे मेरे नहीं, तुम्हारे बच्चे। मेरे बच्चे? ये कौन सा है? समीर, यू आर टू मच। बीवी से झगड़ा हुआ तो क्या तुम बच्चों को भी ठुकरा दोगे? वो भी दो दो बच्चों को। नैना बच्चों को लेके गई थी क्या? नैना बच्चों को लेके आई थी। हाँ। और स्मार्ट। समीर, मुझे एक बार तुम्हारे बच्चों से मिलना है, प्यार करना है। अरे यहाँ पे पूरा का पूरा बाप खड़ा है, बाप से मिलो, बाप से प्यार करो। नहीं, शादी के बाद उनसे मुझे मिलना तो पड़ेगा ना। मैं उनके साथ खेलूंगी, घूमूंगी। जरा सोचो, बच्चों को दो दो माँ का प्यार मिलेगा। एक्स्ट्रा प्यार देने की कोई जरूरत नहीं उन्हें। वैसे ही एक माँ के लाड़ प्यार ने उन्हें इतना बिगाड़ दिया कि वो बाप को नहीं पहचानते। नहीं मिलोगी तुम उन्हें। अच्छा, नहीं मिलूंगी। नहीं, नहीं मिलूंगी। नहीं। सोनिया, सोनिया, सोनिया। 90s से अपनी फिल्मी पारी शुरू करने वाले खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार का नाम आज काफी बड़ा है। पर क्या आप जानते हैं कि वो एक ऐसे हीरो थे जिनके रोमांटिक लिंक्स हमेशा रहे। पूजा बत्रा, रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी, ट्विंकल खन्ना, प्रियंका चोपड़ा और यहाँ तक कि वेटरन स्टार रेखा के साथ भी इनका नाम जोड़ा गया। क्या करें, अक्की साहब की उन दिनों इमेज ही कुछ ऐसी हो गई थी कि वो जिसके साथ भी फिल्म कर लेते थे उसी हीरोइन के साथ झट से उनका नाम जुड़ जाता था। बट फाइनली ही सेटल डाउन विद ट्विंकल खन्ना, हिज हीरोइन ऑफ इंटरनेशनल खिलाड़ी एंड जुल्मी। शादी के बाद ट्विंकल ने फिल्में छोड़ दी। फिलहाल अक्की और उनकी वो सारी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड्स अपनी अपनी शादीशुदा जिंदगियों में मस्त हैं, खुश हैं, तो किसी को क्या लेना देना। हमें तो यहाँ बस अक्षय के साथ उनकी ऑन स्क्रीन हीरोइंस के जलवे देखने हैं, है कि नहीं? मम्मी ने भेजा है, कहा है देख आओ आज का जख्म कैसा है। 10 मिनट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। वैसे माँ जी अभी अभी गई हैं। बैठने को नहीं कहोगे? घर तुम्हारा है। तुम्हारा नहीं है क्या? मेरा क्या है, मैं तो अजनबी हूँ, पता नहीं कब चला जाऊंगा यहाँ से। जाओगे तो एक खून का इल्जाम सर लेकर जाओगे। किसका खून? एक सिद्धि, घमंडी, बेवकूफ लड़की का खून। उसको कुछ हो जाए तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा? तुम मेरे घर क्यों आई हो? मैं तुमसे मिलने आई, कुर्ता देने के बहाने भैया से झूठ बोली, आओ खेलो। oh, shut up. Just shut up. तुम्हारी यही हरकत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, समझी? लेकिन भाभी को तो पसंद है ना मेरी हरकतें भी और मैं भी, क्योंकि उन्हें तुम्हारी असलियत के बारे में नहीं पता। हाँ? बता दूं? हाँ? डिस्को में किस हालत में मिली थी तुम मुझे? नशे में टून। बता दो, बता दो। और फिर ये भी बता देना कि तुम उठा कर मुझे घर पे ले गए थे, मेरे सारे कपड़े लटा दिए थे, मुझे अपने बिस्तर पे लेटा दिया था और फिर न जाने क्या क्या किया था। मैं तो होश में नहीं थी और फिर ये साफ कुर्ता दे दिया था मेरा तन ढकने के लिए, और ये कुर्ता प्रूफ है मेरे पास। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी इज्जत का बिल्कुल ख्याल नहीं तुम्हें। अरे बच्चू, अब मेरी इज्जत तुम्हारी इज्जत में है। एयरफोर्स, एयरफोर्स। बिगड़ेगी तो दोनों की बिगड़ेगी। क्या बिगड़ेगी? हाँ, क्या बिगड़ेगी? दे मेरा कुर्ता, दे मेरा कुर्ता। राजजीत, क्या चल रहा तुम दोनों के बीच? कुछ नहीं, मैं वो इससे एक्सक्यूज मी, आप अपना कुर्ता फिर से छोड़े जा रहे हैं। एक्सक्यूज मी, आप अपने कपड़े तो ले जा रहे हैं, मेरे तो छोड़ते जाइए। बदतमीज, ये ले। 90s की सबसे हिट जोड़ी अगर कोई है तो वो जोड़ी है शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी। ये एक ऐसी जोड़ी रही जिसने पिछले 2 दशकों से देश के हर लवर को इंस्पायर किया। 1995 से इनकी DDLJ ऐसी चली कि उसने हिंदी फिल्म्स के सारे कामयाबी के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। DDLJ के अलावा शाहरुख खान काजोल ने कई सुपरहिट फिल्में एक साथ की। वैसे शाहरुख वाज हैप्पीली मैरिड टू गौरी बिफोर ही एंटर्ड फिल्म्स, और काजोल उनको तो अपनी 1995 में ही रिलीज होने वाली फिल्म्स हलचल और गुंडा राज के सांवले इंटेंस लुक वाले हीरो अजय देवगन पसंद आ गए। दोनों में प्यार हुआ और आगे चल के दोनों ने साथ फेरे भी ले लिए। आइए चेक करते हैं इस रियल लाइफ हैप्पीली मैरिड कपल की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और इनकी सुपर्ब कंपैटिबिलिटी को। तुम लोगों ने आने में 10 मिनट की जल्दी कर दी, वरना मैं स्वीट डिश भी बना लेती। कौन हो तुम? ओह सॉरी, मेरा नाम ऋतु है। मेरा नाम गोपाल। ये सारा खाना तुमने हम दोनों के लिए बनाया है ना? आप दोनों के लिए नहीं, हम तीनों के लिए बनाया है। ओह, ये कटिंग्स तुमने लगाई हैं यहाँ? हाँ, सोचा था तुम्हारे काम आएंगी, लेकिन बातें बाद में, पहले खाना। ओके हाँ चलो। कौन हो तुम? ब्रदर, ये तुम्हारा दोस्त कुछ ज्यादा ही रोमांटिक मूड में है। ए मिस्टर, हाथ छोड़ के बात करो। मेरी एक कंप्लेंट तुम्हें 4 साल के लिए रेप केस के जुर्म में अंदर कर सकती है। मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूँ, समझे? नहीं नहीं सिस्टर, ऐसा कदम मत करना। तुम तो अच्छी लड़की लगती हो। वो तो मैं हूँ ही, इसीलिए तो यहाँ आई थी, इसकी मदद करने। मगर ये तो हाथ पकड़ता है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम बेगुनाह हो और तुम्हें फंसाया गया है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, ये मेरी अपनी जंग है और उसे लड़ूंगा भी मैं ही। मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारी अपनी जंग है और तुम इसे खुद लड़ना चाहते हो, लेकिन इस जंग में अगर तुम्हारा कोई साथ देना चाहे तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है ना? नए मिलेनियम में भी ये ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन हिट पेयर्स का सिलसिला चलता रहा, जैसे कि करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन में प्यार हुआ, एंगेजमेंट भी हुई, मगर शादी नहीं हो पाई। उधर करिश्मा की सिस्टर करीना और शाहिद कपूर में प्यार हुआ, ब्रेकअप हुआ, और इसी ब्रेकअप के बाद इस जोड़ी की फिल्म जब वी मेट सुपर हिट साबित हुई। डेस्टिनी ने अभिषेक की शादी ऐश्वर्या राय से करा दी, तो करिश्मा कपूर की बिजनेसमैन संजय कपूर से। इसी डेस्टिनी ने करीना कपूर और सैफ अली खान को एक कर दिया, जो पहले अमृता सिंह से शादी कर चुके थे। शाहिद कपूर ने शादी कर ली उनसे 13 साल छोटी मीरा राजपूत से। वैसे शाहिद कपूर की ऑन स्क्रीन पेयरिंग काफी क्यूट लगी थी अमृता राव के साथ इश्क विश्क विवाह जैसी कई फिल्मों में। बेटर लग रहा है हाँ? You know what? ये बेवकूफी का काम करके मुझे एक्चुअली अच्छा लग रहा है। I'm actually feeling better. You were right. देखा? और सच बताऊं मैं तुम्हें, दिखने में बुरे नहीं हो तुम, हैंडसम हो यार, अमीर भी लगते हो। इससे तो बहुत बेटर लड़की मिल जाएगी तुम्हें, ये तो तुम्हारे आगे शिट थी। थैंक यू, दैट्स वेरी काइंड। बता रही हूं मैं ना, मैं लड़की हूं कि नहीं। तुम्हारे ऊपर कोई भी लड़की फ्लैट हो सकती है, तुम उस टाइप की होगी। देखो मेरी शादी अंशुमन से होने वाली है एंड ऑल दैट, पर अगर वो मेरी लाइफ में नहीं होता तो यू नेवर नो, शायद मैं भी तुमसे पट जाती। जस्ट इमेजिन। तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना? बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ। काश मैं भी तुम्हारी तरह हो सकता। वो तो मुश्किल है। गीत, अंशुमन का चैप्टर खत्म हो चुका है, यही सच है, और इसे तुम जितना जल्दी मान लो उतना अच्छा है। जिस तरह से उसने तुमको अपनी जिंदगी से निकाल दिया, जस्ट थ्रो हिम आउट ऑफ योर लाइफ मैन। जस्ट फोटोग्राफ, उसका फोटोग्राफ जलाओ एंड फ्लश हिम आउट ऑफ योर लाइफ। निकालो फोटोग्राफ। उसकी फोटो नहीं है। Okay. हम उसको फोन करेंगे, तुम उसको गालियां दोगी। इवन बेटर, जितनी गालियां आती है सब दे दो साले को। बच्चों जैसी बात है, ग्रेट, बच्चों जैसी बात करो, गालियां दो साले को, निकाल दो अपनी भड़ास, यू विल फील फैंटास्टिक। आदित्य सुनो, आदित्य रिंग हो रहा है, तैयार हो जाओ, जितनी भी गालियां आती हैं गंदी वाली पे, ऑलराइट? प्लीज। हेलो हेलो अंशुमन, एक सेकेंड। हेलो। हाँ हेलो अंशुमन। गीत? हाँ। गाली, गाली। और ये आदित्य कश्यप की आवाज थी? हाँ। हेलो अंशुमन, मैं कहना चाहती थी कि बोलो गीत। सोचो मत, सोचो मत, जस्ट से हेलो। कुत्ते? यस। क्या कुत्ते, उल्लू के पट्टे। हेलो यू बास्टर्ड, साले सुअर की औलाद, तुझे क्या लगा तू मुझे छोड़ देगा? तो मैं जिंदगी भर तड़पती रहूंगी? तड़पेगा तू कमीने, कीड़े पड़ेंगे तेरे ऊपर, कुत्ते की मौत मरेगा और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में जाएगा तेरी माँ की। बेटा लग रहा है एंजॉय कर रही हो ना? सुबह सबसे पहले तुम्हारा ही फोन आया, थैंक्स। हर साल तो यही करते आई हूँ। राजीव, पता नहीं मेरा हक है या नहीं, मगर ये तुम्हारे लिए। पायल, तुम्हें याद रहा? अब कुछ मत कहना तुम। Can I wear it? No. अब डांस? Please. Okay. पायल, तुम इस तरह डिस्कोथेक में, मुझे लगा तुम्हें सब अच्छा नहीं लगता। ये तो प्रॉब्लम है ना, कभी किसी ने पूछा ही नहीं, आज मैमो ने पूछा तो मैंने सोचा व्हाई नॉट। क्या हुआ? पायल आई एम सॉरी। किस लिए? जस्ट फॉर एवरीथिंग। अरे फॉरगेट इट। यू नो राजीव, आजकल मुझे भी लगने लगा है कि मैंने अपने आप को कभी समझा ही नहीं। यू नो, कभी कभी लगता है कि तुम हमेशा सही थे। ये इश्क इश्क प्यार व्यार का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जिन बातों को मैंने सही समझा शायद वो आजकल के ज़माने में फिट नहीं होते, और जिन उसूलों को मैं लेकर चली आज उन्हीं की वजह से मैं बेवकूफ़ लगने लगी हूँ। नहीं पायल, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे ही है ना। यू नो, देखो, जितने खुश तुम अलीशा के साथ लगते हो उतने खुश तुम मेरे साथ तो कभी नहीं लगे। नहीं नहीं, क्योंकि मुझ में वो सारी बातें थी नहीं ना जो अलीशा में है, जो तुम चाहते थे। पायल, तुम में सब कुछ है, तुम समझदार हो, सबका ख्याल रखती हो, इतनी स्वीट हो, इतना बड़ा दिल है तुम्हारा। और पर क्या फायदा, मैं अलीशा तो नहीं ना। पायल तुम, यू नो राजीव, मैंने हमेशा यही समझा है कि अगर तुम्हारा प्यार जाना चाहे तो उसे जाने दो, अगर वो लौट कर आए तो वो तुम्हारा है, और अगर नहीं तो, और तुम नहीं लौटे राजी। पायल प्लीज ऐसा मत करो, गलती मेरी थी, जो भी गलत किया मैंने किया, तुम हमेशा सही थी पायल। तो प्लीज प्लीज अपने आप को मत बदलो, नॉट फॉर मी, आई एम सो सॉरी, आई एम जस्ट सो सॉरी। करीना के कजिन ब्रदर रणबीर कपूर का नाम पहले जुड़ा दीपिका पादुकोण से, फिर सालों तक वो इन्वॉल्व हो गए कटरीना कैफ के साथ, मगर अब रणबीर कपूर का आलिया भट्ट के साथ मामला सच में काफी सीरियस दिख रहा है। इधर रणबीर से ब्रेकअप के बाद दीपिका पादुकोण की जबरदस्त जोड़ी बन गई सुपर एनर्जेटिक रणवीर सिंह के साथ। रामलीला, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत में इस जोड़ी ने लोगों को अपना दीवाना बना दिया, एंड इन रियल लाइफ टू दे गॉट मैरिड। तो आइए दिखाती हूं मैं आपको एक सीन, अब इसमें रणबीर है या रणवीर ये तो आप खुद ही देख लीजिए। क्या देखने आई हो? खुश हूं मैं, तो सो तुम्हारा, नो कंप्लेंट्स, नो डिमांड्स। प्रेम? तुम ऐसे? You're drunk. ट्रंक जैनी, इंग्लिश में ड्रंक नहीं ड्रिंक कहते, ड्रिंक। तू क्यों उतल रही है? तू भी ड्रिंक है क्या? प्रेम 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 जैनी, तुम यहाँ सचमुच? क्यों आई? कब आई? अभी तो आई। तुम हो कि you're drunk? नहीं जैनी, वो दोस्तों ने तुम्हारी शादी की खुशी में थोड़ी पिला दी। पर तुम यहाँ कैसे? और राहुल कहाँ है? I don't know। वो एक स्टेशन पे बुक्स लेने उतरा और पता नहीं he didn't come back। कहाँ जाती मैं? नहीं, अच्छा किया तुम यहाँ चली आई जैनी। लेकिन राहुल, जैनी एक बात कहूँ तो बुरा नहीं मानोगी? ये जो बड़े बाप के बेटे होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं। उनके लिए लव एक गेम होता है, टाइम पास। अरे अरे नहीं, देखो मैं मजाक कर रहा था जैनी। आई सॉरी, मैं राहुल को किसी भी तरह ढूंढ के लाऊंगा, किसी भी तरह। अब क्या वरी है जैनी? तुम नहीं समझोगे। अरे जरूर समझूंगा, समझाओ ना। बताने से भी तुम नहीं समझ पाओगे। अरे वाह, ऐसे कैसे? मैं बहुत स्मार्ट हूँ, क्यों नहीं समझूंगा? क्योंकि तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया। क्या बात है यार, मजा आ गया। फिल्मी जोड़ियों के इन दो एपिसोड्स ने कितने सारे रोमांटिक जज्बात जगा दिए। आई एम श्योर यू ऑल हैड अ गुड टाइम वॉचिंग दीज सीन्स एंड बीइंग इन माय कंपनी। तो अगले एपिसोड में फिर से कुछ ऐसे ही जबरदस्त सीन्स के साथ में मैं वापस आऊंगी। तो मिलेंगे फिर एक बार, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार और नमस्कार।